व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दूल्हा इस समय ना चुका है, नाच गए हैं। ये हमारी माता जी, ताई जी और मौसी जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर दूल्हा नहा रहा है। दूल्हे के साथ उनके पूरे रिलेटिव्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गांव की महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर सभी जो हैं दूल्हे और उनके मामा लोग, मम्मी दूल्हे की, सभी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये दूल्हे के मम्मी और पापा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मामा लोग भी हैं, दूल्हे के मामा, मम्मी, पापा, यहाँ पे सारे लोग फैमिली के फोटो शूट करवाते हुए। ये जो है दूल्हा, मम्मी, मौसी, ताई एक साथ यहाँ पर फोटो सेशन करते हुए। दूल्हे की सिस्टर, उनके हस्बैंड,
ये है हमारे गांव के चमकते चांद सितारे, या आप कहें इनको झांसी की रानी भी कह सकते हैं इनको। और ये हमारे स्पेशलाइजेशन जो फोटोग्राफर हैं, समथिंग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। लोग परेशान कर रहे हैं डीएम डीएम बोले भी तो देख रहा ये देखिए बहुत परिश्रमी है यहाँ पर मोंटी सिंह। और ये देखिए बहुत पानी पीते हुए ऊंट के मुंह में वल जीरा, वो वाली स्थिति है इनकी। अरे विनोद भाई हमारे फेमस कैटरर कह सकते हैं टेंट वाले। ये रात की सब्जी का जुगाड़ किया जा रहा है यहाँ पे, कैप्सिकम, कैरेट्स, ये बीन्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और अलग अलग जगह से ये सारे लोग आ रखे हैं और इस शादी में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना जितनी हो सकता है भागीदारी कर ही रहे हैं, क्योंकि गांव में अमूमन ऐसे ही हुआ करता है।
खाने की तैयारी हो रही है। पंडित जी यहाँ पे हमें खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये है पहाड़ी ट्रेडिशनल कल्चर। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारे पुराने मित्र अरविंद अभी पहुँचे हैं, इस शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह से पंगत में बैठा करते हैं गांव में। और ये देखिए यहाँ पे दूल्हे राजा, ये देखिए पकौड़ी, शुरुआत हो चुकी है, पकौड़ी से स्टार्ट होता है। ये है हमारे दूल्हे राजा, नाम है संतोष गुसाई, अभी जो है नहाए हैं और यहाँ पर अभी पंगत में बैठे हैं हम लोगों के साथ। ये ट्रेडिशन है गढ़वाल का कि दूल्हा पहली पंगत में जरूर बैठता है और उनके साथ ही जो है और लोग भी बैठे हुए हैं। अब स्टार्ट होगा खाना आने का, यहाँ पे पंगत से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए पकौड़ी के बाद मीठा भात डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। मीठा भात अच्छा बनी तो थोड़ा और डाल दे। सैफ है गणेश गणी और ये जो है मिक्स वेज बना रहे हैं मिस्टर गणपत और गणी सैफ कैटरर कह सकते हैं आप। चल ठीक था दुनिया यूट्यूब कैसे लग रहा है आपको? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खा के? मीठा भात खा के, पकौड़ी मीठा भात, उसका बाद आगे बहुत हमारे ताऊ जी के। हां हमारे ताऊ जी के इंस्पेक्टर। हां सुना हमारे ताऊ जी के इंस्पेक्टर। ताऊ जी आपको कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर। हम लोग खाना चला बना ताऊ जी हमारे कल लगाए थे उन्होंने आवाज, आपने सुनी नहीं होगी। ज्यादा नहीं कहें, ज्यादा गिनो सो तुम्हारा कदा गप खाना तुम। ये चीज जो सर ये होने ना ये उन का कौन बस एक में गांव में कदा भी थे कम साल में कर गया अब बंद ही गए डीएसपी कैसे लग रहा है? अब तो सब ख्याल यार। कौन खा अच्छा याद है क्या? बोलो याद है क्या? याद आपका स्वागत है भात खाने में। बहुत अच्छा हो रहा है और ज्यादा खाए यहाँ तो सूखे संग बच गए। आ रही फिक्र न करो, उधर से नंबर आ रहा है। हाँ खा इन्हें देखो ताई अच्छा तुम गोल जाना था गोल जाना सुनियो अब मिल गया खाणू अब कल लाऊ खटू मिठू मिठू लाऊ अच्छा अच्छा
ये जो मेरे मित्र, मेरे सखा, क्लासमेट, बहुत पुराने, आज ये 13-14 साल बाद मिले हैं मुझे, अरविंद गुसाई और हमारे दूसरे दोस्त ये प्रदीप गुसाई, देखो हम प्रदीप रावत, ये जो मिले हैं हमें, ये जो शादी हो रही है नीचे गांव में उसके उपलक्ष्य पर आए हुए हैं वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से आज हमें भी इनको देखने का सौभाग्य मिल पाया है क्योंकि कॉन्टेक्ट में थे नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख करके। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद मिले और ये सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी दोबारा मिले ऐसी इवेंट में। इवेंट में ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे मिलते रहे हम भी। और ये दिल्ली से आ रहे हैं हमारे भाईबंद, या मिक्स वेज की तैयारी चल रही है उसकी ग्रेवी, और ये ग्रेवी जो उसमें पड़ेगी एक यहाँ पे, आज पनीर और चिल्ली पनीर दोनों बनेगी कॉकटेल के लिए। और चाचा जी आ गए हम यहाँ सामान के लिए, हाँ इंटरनेशनल सैप, और दिल्ली से भी आए कुछ भाई बंद यहाँ पे, आज चटपटी स्पेशल डिश बना रहे हैं चक्कर में। हमारे यहाँ मनियारी भाई भी आ रखे हैं, मनियारी भाई ये रॉबिन उथप्पा के नाम से प्रसिद्ध थे, एक बार 1:30 बजे रात को इनका ट्यूशन का वो दिन याद आ रहा है, याद आ रहा है उनको। रुद्रपुर से आ गए हैं जो कभी कभी चुपते हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये तो यही बता सकते हैं क्या बना रहे भाई साहब, छोले स्पेशल, छोले को ऊपर निकाल दबली से, और देखिए वाह क्या शानदार, यहाँ पे शाम को पता लगेगा इसमें कैसा टेस्ट है। पंकू भाई बहुत सालों बाद दिख रहे हैं हमें, वापसी हुई है? वापसी हुई है, नहीं नहीं छुट्टी है आजकल, जब ही और ये सूजी स्पेशलिस्ट हमारे चाचा जी, इन्होंने बनाना में भी बनाए थे, नहीं नहीं कल भी बनाए थे इन्होंने, कल भी बनाए थे, शानदार जायकेदार, जायकेदार कठैत जी गणी भाई, ये दुबई से आए हैं स्पेशल यहाँ चखना तैयार करने के लिए। अरे पनीर और ये नारियल बहुत ही छोटे छोटे, यहाँ किशमिश नहीं दिख रही, केवल प्याज दिख रही, बड़े कर देंगे तो पता चिपचिप चिपचिपा लगाई हुई। कल इन्होंने बहुत कच्ची रोटियाँ बनाई इसलिए आज इनको जल्दी बुला दिया गया है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, अंधेरे का फायदा उठाया, और कल का जो आटा बचा था उससे फिर से आज ना बोले तुम तो वो उबल आग वाग जला के आग गार करके रखना था, मैंने कल तो तुम 8 बजे आए। ये हमारे ताऊ जी यहाँ पे, आज हमारे ताऊ जी आ गए हैं बिल्कुल स्पेशल चखना बनाने के लिए, कल जाएगी, कल 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 जाएगी, कल जाएगी, आप ही बढ़े, आप ही बढ़े ना, आज ही चखना बन रहा है, चाय को अभी चाय भी इनको पिलाएंगे, अभी ताऊ जी को स्पेशल वाली, बिना दूध वाली नहीं, नहीं दूध वाली पिलाएंगे आज अभी फिलहाल, कल तैयार है ना बारात में जाने के लिए, और परसों इनके घर में पार्टी है, बबू भाई आए हमारे, अच्छा तो वही बस वही जो है प्रोग्राम, वो तो हमारे घर आए थे यार, हाँ पार्टी ऊपर पार्टी तो होगी, अच्छा होगी वो अलग सी, अच्छा चौबट कल चौबट्टा में चल जाएगी, चौबट्टा वहाँ पे नजदीक है ना, जूस और हाँ ये भी सही है, गो मैकेनिक बॉडी से जूस हम जूस देखे जूस में जूस जूस पनीर के लिए बनी हुई ग्रेवी बहुत ही थिक, बहुत ही अच्छा अच्छा कलर रोगन दे रखा है, एक गहन मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, गहन मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, बल पर चुमल चुनाव चुमल तो कुछ इन छन बोला कुछ नहीं, मतदान कै दिन खनवा लाऊंगा, अच्छा तो मतदान का अभी बड़ा प्रक्रिया करना चाहना सोचना चाहना, मतदान कब से बोलो कितना मतलब प्रैक्टिस भी तोड़ चढ़े मतदान करने की कुछ समय क्या रहेगा, मतलब नतीजा चुनाव का
बोलो क्या आप खड़े रह पाएंगे कि गिर जाएंगे? आप किसको बोल देंगे? स्वतंत्र निष्पक्ष किस मुद्दों पे आप आपको सामने कितने बोला थे? बोलो 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 मिल जाएंगे अभी अब वो तो बात करेंगे ना नेता जी। और ये जो है यहाँ पे रोटियाँ बैठ कर भी रोटियाँ बनाई जानी स्टार्ट हो रही हैं। चूल्हे बन चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। तो एक यहाँ पर ग्रुप बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पर ग्रुप बैठा हुआ है, अभी स्टार्टिंग हो रही है। तीसरा ग्रुप ये है जहाँ तो बन रही है रोटियाँ इस खेत में, और इसके ऊपर वाले खेत में यहाँ पे सब्जी मटर छिले जा रहे हैं। इधर यहाँ पर ये चिली चीज़ बनाने की प्रोसेस के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो लगे हुए हैं सभी व्यक्ति, और यहाँ पर ये है चने राजमे, ये है दाल। यहाँ पर ये सूजी तैयार हो चुकी है इनका, और ये है आशीष गुसाई, ये भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं इसमें। ये जो चिली चीज़ बन रहा है उसके लिए मटेरियल के लिए यहाँ पर ये जो ऑनियंस जो प्याज इनको कट कर रहे हैं, देखिए ये भी अभी आए हैं इस पार्टी में, इस शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना। ये हमारे ताऊ जी, ये दूसरे भाई जी, ये भी काफ़ी लगे हुए हैं। सभी का कुछ ना कुछ इसमें हिस्सेदारी है, कुछ ना कुछ। ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे गांव में इसी तरह से होता है। शहर की बात छोड़ दो, ये गांव है, यहाँ की लाइफ कुछ अलग ही मज़ेदार होती है। भूपेंद्र ये भी अभी आए हैं इस जो शादी में पार्टिसिपेशन करने के लिए, बहुत ही व्यस्तता के कारण फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से माहौल है गांव की शादी का, कुछ अलग ही मज़ा। ये देखिए ताई जो रोटी को सैंपल दिखा रही हैं, और ये बन रही हैं बिल्कुल फ्रेश रोटियां। चिली चिकन नहीं, हाँ ना ना, हाँ शाही पनीर, हाँ चिली चीज। ये देखिए स्पीड देखिए, ये एक्चुअल में इनकी तो हुनर को देख के लग रहा है कि ये साहब के लिए ज्यादा बेटर थे, पर क्या कर रहे हैं, देश रक्षा भी करनी है। ये रक्षक के रूप में इस समय सेवा कर रहे हैं देश की। ये हमारे चाचा जी और ये हमारे दादाजी स्पेशली जो है, और ये हमारे दोनों मित्र, और ये दोनों मित्र हम जो है भोले बाबा जी के जो प्रसिद्ध मंदिर महादेव हमारा कंडारा का है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये इनके आशीष इनके छत्र छाया में बैठे हुए हैं। इनसे कुछ ऐसे ही शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं कि हमारे हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। रास्ता ये रास्ता तो खराब हुए बोल बोल। हर हर महादेव कंडारा का पूरा टाइम लग गया। महाशक्ति वाला महादेव सकारात्मक सोच पैदा करता है, सोच पैदा करता है, और ये इनके मनोकामना पूरी करता है। ये नंदी महाराज ये बहुत ही इस गांव के लिए
प्रसिद्ध पौराणिक और रक्षक के रूप में माना जाने वाला यह मंदिर। यही देखिए हमारे नागराजा देव और हमारे माँ जालमल देवी। ये नागराजा का मंदिर, ये ऊपर वाला दिख रहा है, और ये हमारी कुल देवी की रूप में माँ झालीमाली देवी आपको दिखाई दे रहा है। इसके थोड़ा सा ऊपर ये जो येलोइस गेरुआ कलर का जो दिख रहा है, ये है भगवा कलर का, ये झालीमाली मार्केट है। और यहाँ से ये रोड ऊपर आ रही है गांव की तरफ, और ये देखिए गांव का व्यू महादेव के मंदिर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये है गाँव का मज़ा। ये देखिए चारों तरफ ऑल वेदर रोड। ये देखिए यहाँ पे जो रोटियाँ बन रही हैं, रोटियाँ बनने के पश्चात जब ये रोटियाँ बन जाती हैं तो गांव के परोसे के लिए जो हैं 5 रोटी पर परोसे के हिसाब से रखे जाते हैं। और इस काम को करने के लिए आए हैं स्पेशली देहरादून से अरविंद घुसाई और ये प्रदीप सिंह रावत। ये बिल्कुल स्पेशल हमने इसी चीज़ के लिए बुला रखे हैं, इनकी प्रतिभा का हम यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे, और साथ में मैं भी हूँ। हम तीनों मिलकर कर रहे हैं अभी फिलहाल इस काम को। ये ठेका हमको मिल रहा है टेंडर। जय बोले बोले।